दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हजारों सालों तक फ्रोजन कंडीशंस में रहने के बाद भी सरवाइव कर सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम ऐसे ही एक क्रिएचर की बात करेंगे जो साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में 24,000 सालों तक रहकर फिर से जिंदा हुआ। ये क्रिएचर है डेलोइड रोटिफर्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट मैथ्यू मिसेलसन कहते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये दुनिया के मोस्ट रेजिस्टेंस एनिमल्स हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम एसिडिटी, स्टारवेशन, लो ऑक्सीजन और सालों तक डिहाइड्रेशन झेल सकते हैं। तो फिर हमें नया क्या पता चला? करेंट बायोलॉजी जनरल में पब्लिश्ड एक स्टडी ने रिसेंटली ये रिवील किया कि डेलोइड्स 24,000 सालों तक डीप फ्रीज सिचुएशन में रहकर भी वापस जिंदा हो सकते हैं। ये एक प्रोफाउंड डिस्कवरी है, क्योंकि इसके पहले हमें सिर्फ ये पता था कि रोटिफर्स केवल 10 सालों तक ही डीप फ्रीजिंग को झेल सकते हैं। इस स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने परमाफ्रॉस्ट में 11 फीट की ड्रिलिंग कर सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनमें उन्हें ये डेलोइड रोटिफर्स परमाफ्रॉस्ट में लॉग्ड मिले। इसका एवरेज टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन ये इकलौते ऐसे एनिमल्स नहीं है। जिस सैंपल्स में ये रोटिफर्स मिले उसमें नेमाटोड्स या राउंड वॉर्म्स भी मिले, जिनके बारे में ये ऑलरेडी प्रूवन है कि वो भी हजारों साल की फ्रीजिंग कंडीशन को झेलने के बाद सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने पहले अंटार्कटिक मॉस और कैंपियन प्लांट्स को हजारों साल पुराने फ्रोजन सीड से रीग्रो किया है। 2016 में जापानी साइंटिस्ट टैर्डीग्रेड या फिर वाटर बियर नाम के एक एनिमल को भी 30 साल के क्रिप्टोबायोसिस कंडीशन के बाद रिवाइव किया। क्रिप्टोबायोसिस एक फ्रोजन कंडीशन है जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और रशियन रिसर्चर स्टास मेलविन इसे लाइफ और डेथ के बीच का स्टेट कहते हैं। दोस्तों, डेलोइड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जो अपने साइज के हिसाब से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। ये केवल कुछ माइक्रॉन्स की साइज के हैं, लेकिन फिर भी इनके पास माउथ, ब्रेन, स्टमक, मसल्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। डेलोइड रोटिफर्स हमारे चारों तरफ हैं, स्पेशली मॉइस्ट कंडीशन में। ये ऑलमोस्ट हर वाटर बॉडी, ट्री ब्रांचेस एक्सेट्रा में मिलते हैं, फ्रॉम आर्कटिक टू ट्रॉपिक्स। इसके अलावा साइंटिस्ट अभी भी डेलोइड से रिलेटेड कई सवालों को ढूंढ रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये कैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स और कंडीशन को झेल कर भी अपने ब्रोकन डीएनए को फिर से जोड़ लेते हैं और जिंदा हो जाते हैं। डेलोइड्स को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इवोल्यूशनरी स्कैंडल फिनोमिनन से रिलेट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले स्पीसीज ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते और जनरली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें म्यूटेशंस और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होती है। लेकिन डेलोइड्स ने खुद को 450 से ज्यादा स्पीसीज में डाइवर्सिफाई किया और पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से ये एग्जिस्टेंस में है। ऐसी स्पीसीज की डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको स्टडी करके हम नेचर के उन मिस्ट्रीज को अनकवर कर सकते हैं जो हमें बाकी के एनिमल सेल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फिलहाल इतने सालों तक प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा ये हमें स्पेस मिशंस में भी हेल्प कर सकते हैं, और इसलिए शायद टैर्डीग्रेड्स और रोटिफर्स को स्पेस मिशंस में भी भेजा गया है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये वहां के एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकते हैं। डॉक्टर मिसेलसन कहते हैं कि ये शायद ओनली एनिमल्स हैं जो आउटर स्पेस में सर्वाइव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।